एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया अपने दयालु हृदय और दीप्तिमान मुस्कान के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके भीतर एक भारी बोझ था। कई साल पहले माया के परिवार पर एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उनका विनम्र घर एक विनाशकारी आग में फंस गया था और माया की छोटी बहन सारा की आग में अपनी जान चली गई थी। इस घटना ने माया की दुनिया उजाड़ दी। दुःख और क्रोध ने उसे खा लिया और उसने अपनी बहन को बचाने में सक्षम न होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपराध बोध का बोझ बढ़ता ही गया। माया ने खुद को अपने दोस्तों और परिवार से अलग कर लिया, खुद को या किसी और को माफ करने में असमर्थ। एक दिन सोफिया नाम की एक बूढ़ी औरत, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, गांव में पहुंची। सोफिया ने माया के भीतर मौजूद उथल पुथल को भांप लिया और उसे ठीक करने में मदद करने की कोशिश की। उसने एक कोमल मुस्कान के साथ माया से संपर्क किया और हानि और क्षमा की अपनी कहानी साझा की। सोफिया ने एक बार एक दुखद दुर्घटना में अपना पूरा परिवार खो दिया था, लेकिन वह क्षमा के माध्यम से शांति पाने में कामयाब रही थी। उसने माया को समझाया कि क्षमा अतीत को क्षमा करने या दर्द को भूलने के बारे में नहीं है, यह खुद को आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करने के बारे में था। सोफिया की कहानी से प्रभावित होकर माया ने क्षमा की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने घर के खंडहरों का दौरा किया, जो उसने खो दिया था उसकी दर्दनाक याद। प्रत्येक कदम के साथ माया ने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया, उदासी, क्रोध और अंत में स्वीकृति। जैसे ही माया ने क्षमा को गले लगाया, उसे पता चला कि यह एक बार की घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी। वह समझ गई थी कि खुद को और दूसरों को क्षमा करना एक उपहार था जो उसने खुद को दिया था, एक उपहार जिसने उसे चंगा करने, बढ़ने और अपने आनंद को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। क्षमा की शक्ति की अपनी कहानी साझा करते हुए माया अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसके साहस के माध्यम से दूसरों ने सीखा कि क्षमा करना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि शक्ति का कार्य है, अतीत से मुक्त होने और एक उज्ज्वल भविष्य बनाने का एक तरीका। और इसलिए माया का गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां क्षमा फलती फूलती थी और क्षमा की शक्ति ने कई लोगों के जीवन को छूना जारी रखा, दूर दूर तक अपने उपचार के स्पर्श को फैलाया।